स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों 2014 में बीजेपी के लोकसभा चुनावों में जीतने के बाद हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई, मोदी युग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लोगों का दिल जीतने के बाद अपने पहले ही प्रयास में पूरे इंडिया का भी दिल जीत लिया था और तब से लेकर आज तक इनके नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी जो छवि बनाई है वो काफी सराहनीय है। आज दुनिया की नजरों में भारत का जो स्थान है और इज्जत है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही नहीं, ये आज के समय के पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध राजनेता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक निडर राष्ट्र बनकर उभरा है और दुनिया का कोई भी देश किसी भी मामले में भारत पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि वो जानता है आज का भारत किसी से भी डरने वाला नहीं है और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को दर्शाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने निडर प्रधानमंत्री की लाइफ स्टोरी डिटेल में बताने वाले हैं कि आखिर कैसे एक समय ट्रेनों में चाय बेचने वाले व्यक्ति ने आज पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनके जीवन की शुरुआत भी एक आम भारतीय नागरिक की तरह एक गरीब घर में ही हुई थी, जिनके पास इनके जन्म के वक्त कुछ भी नहीं था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को एक गुजराती हिंदू फैमिली में गुजरात के वडनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। ये अपने माता पिता के कुल 6 बच्चों में से तीसरे नंबर पर थे। उस वक्त मोदी जी का परिवार एक कच्चे घर में रहा करता था। नरेंद्र मोदी की माँ अपने बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो आसपास के घरों में जाकर बर्तन धुलने का काम करती थीं। इनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान लगाते थे और मोदी जी अपने पापा की मदद करने के लिए ट्रेनों में चाय बेचा करते थे। उस वक्त इनके परिवार के लिए 2 समय की रोटी मिल जाना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इन मुश्किलों से भरे दिनों का मोदी जी की पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अपने पिता के साथ काम करने के साथ ही मोदी जी अपनी पढ़ाई का भी खूब ध्यान रखते थे। बचपन से ही मोदी जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और ये स्कूल में होने वाले अलग अलग कंपटीशन और नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। इनके अध्यापक बताते हैं कि मोदी जी बचपन से ही एक बहुत अच्छे वक्ता हुआ करते थे और उनमें एक लीडर की छवि साफ दिखाई पड़ती थी। मोदी जी के बचपन का एक किस्सा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमे ये एक बार तालाब से मगरमच्छ के बच्चे को अपने घर पकड़ लाए थे। तब उन्हें इनकी माँ ने समझाया था कि ऐसे कभी भी किसी को उसके घर से दूर नहीं करते हैं, जिसके बाद तुरंत मोदी जी उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस तालाब में छोड़ आए थे। मोदी जी के इस किस्से से पता चलता है कि वो अपने बचपन से ही कितने बहादुर हुआ करते थे। इन सब के साथ ही मोदी जी में देशभक्ति भी कूट कूट कर भरी हुई थी। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी अक्सर स्टेशन पर आने वाले जवानों के लिए चाय और नाश्ता लेकर जाया करते थे। इनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद का बहुत ही गहरा असर पड़ा था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में काफी पढ़ाई की थी, जिसके कारण इनके अंदर देशभक्ति और जीवन के बारे में और जानने की भावना जागृत हो गई थी, जिसके चलते इन्होंने केवल 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। इस दौरान इन्होंने भारत के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की और इसके 2 साल बाद ये अपने घर वापस आ गए थे। इस यात्रा पर जाने से मोदी जी को देश को और अच्छे से जानने का एक मौका मिला था और उन्होंने काफी अच्छे से एक एक जगह का दौरा किया था, जिससे जब वो 2 साल बाद अपने घर वापस आए तब उनका एकमात्र मकसद अब देश की सेवा करना रह गया था, जिसके लिए इन्होंने साल 1972 में एक प्रचारक के तौर पर RSS को ज्वाइन किया था। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को RSS को समर्पित कर दिया था। ये उनके लिए दिन रात काम किया करते थे और इसके साथ ही वो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए थे। साल 1978 में मोदी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल कर ली थी। साल 1983 में इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी हासिल कर ली थी। साल 1978 में मोदी जी को RSS का संभाग प्रचारक यानी रीजनल ऑर्गेनाइजर बना दिया गया था। इस दौरान ये सूरत और वडोदरा में RSS की एक्टिविटीज का ध्यान रखते थे। 1979 में ये RSS के लिए काम करने दिल्ली चले गए थे, जहां इन्हें इमरजेंसी पीरियड का RSS वर्जन लिखने का काम दिया गया था। इसके कुछ ही समय बाद ये गुजरात वापस आ गए थे
और इनके कामों से खुश होकर आरएसएस ने इन्हें 1985 में बीजेपी का एक मेंबर बना दिया था। 1987 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी के कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने का काम किया था और इस इलेक्शन को बीजेपी बहुत ही आराम से जीत गई थी। बीजेपी की इस जीत में नरेंद्र मोदी का एक बड़ा हाथ बताया जाता है। इसके बाद साल 1987 में आरएसएस ने मोदी से खुश होकर उन्हें बीजेपी की गुजरात यूनिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया था। इसके बाद मोदी जी का कद लगातार पार्टी में बढ़ता गया और 1990 में इन्हें बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बना दिया गया था और इन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी की राम रथ यात्रा का अयोध्या में सफलतापूर्वक भव्य आयोजन किया था। इसके बाद साल 2001 में केशुभाई पटेल बीजेपी की सरकार को मजबूत बनाए रखने में नाकामयाब हो रहे थे, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को पार्टी का नया मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया था। जिस वक्त मोदी को इस पद पर लाया गया था, उस वक्त बीजेपी की हालत कई जगहों पर काफी गंभीर थी। बीजेपी की पकड़ अपने कई इलाकों पर कमजोर होने लगी थी, जिससे सीट्स उनके हाथों से जाने लगी थी। इस मुश्किल भरे दौर में मोदी जी को सीएम पद का नया चेहरा बनाकर उनको 2002 के गुजरात विधानसभा इलेक्शन जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने बड़ी ही आसानी से गुजरात की 182 में से 127 सीट्स जीतकर बहुमत के साथ कांग्रेस के अश्विन मेहता को पीछे छोड़ते हुए इलेक्शन जीत लिया था। गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने गुजरात का बहुत विकास किया। इन्होंने गुजरात के कोने कोने तक बिजली और इंटरनेट की पहुंच बनाई। इन्होंने पूरे गुजरात में जल आपूर्ति के लिए वहां की सारी नदियों को आपस में जोड़ दिया था। इस दौरान इन्होंने गुजरात में एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का भी निर्माण करवाया था। मोदी जी के राज में गुजरात में बेरोजगारी ना के बराबर रह गई थी और महिलाओं की सुरक्षा में भी काफी इजाफा हुआ था। मोदी जी के काम को देखते हुए गुजरात की जनता ने इन्हें 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री चुना। गुजरात में मोदी की सफलता को देखते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं ने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। इस चुनाव में मोदी ने पूरे भारत में खूब रैलियां की थी और बहुत बड़े लेवल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी का प्रचार करते हुए लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी और इनकी इस मेहनत का नतीजा इन्हें बीजेपी की जीत के रूप में मिला था। 2014 में भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनने के बाद से आज तक उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक भारत का नेतृत्व किया है। आज के समय में जिस निडर और आत्मनिर्भर भारत को दुनिया जानती है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भारत को एक मजबूत और निडर देश की पहचान दिलाई है। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी कई नई योजनाओं को शुरू किया है, जिससे भारत आज एक सही राह पे विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और आप सबको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक प्रतिभाशाली नेता है बल्कि एक अच्छे लेखक और कवि भी है। ये अपनी स्पीचेस से लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देते हैं और उनमें देशभक्ति की भावना को उजागर करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होने के बावजूद इनके अंदर जरा भी घमंड नहीं है और ये रोज दिन में 18 घंटे काम करते हैं और काफी कम समय के लिए सोते हैं। इसके साथ ही इन्हें योग करना बहुत पसंद है। ये अपनी सुबह की शुरुआत योग से ही करते हैं। इनकी पूरी लाइफ को देखते हुए मन में केवल एक ही बात आती है कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही शानदार इंसान और एक कुशल नेतृत्वकर्ता है। वैसे दोस्तों, आपका हमारे प्रधानमंत्री मोदी की लाइफ के बारे में क्या कहना है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।